तुम जाते हो शंकर जी के मंदिर में, वहां शिवलिंग है, तुम्हें कभी संकोच नहीं लगता, शर्म नहीं लगती, अपने बच्चों को भी ले जाओगे, अपनी लड़कियों को भी ले जाओगे। हालांकि फिल्म देखने जाओगे तो पहले पता कर लोगे कि फिल्म वयस्कों के लिए है कि बच्चों के लिए भी है। फिल्मों में लिखा होता है सिर्फ वयस्कों के लिए, तब तुम अपने बच्चों को नहीं ले जाते, क्योंकि फिल्म में कुछ दृश्य होंगे स्त्री पुरुषों के प्रेम के, और वो तुम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन शंकर जी के मंदिर में क्या है, जिसको तुम शिवलिंग कहते हो, वो जननेन्द्रिय का प्रतीक है, और सिर्फ पुरुष की जननेन्द्रिय नहीं है, वहां उसी शिवलिंग के नीचे स्त्री की जननेन्द्रिय भी है। पुरुष और स्त्री की जननेन्द्रिय संभोग की अवस्था में, मगर हम भूल ही गए हैं क्योंकि परंपरागत थे, स्वीकृत थे, तो ठीक है। जो भी परंपरागत है वो ठीक है, फिर उसमें कोई एतराज नहीं उठा सकता, नहीं तो अभद्र है, बेहुदा है। चुंबन में क्या खराबी हो सकती जब शुद्ध जननेन्द्रियों के प्रतीक मंदिरों में रखे जा सकते हैं, तो चुंबन में क्या खराबी हो सकती है, दो स्त्री पुरुषों के आलिंगन में क्या विरोध हो सकता है, और बच्चों से कब तक छिपाओगे, और छिपाने की जरूरत क्या है, जो सत्य है सत्य है, बच्चे आज नहीं कल जानेंगे, तुमसे नहीं जानेंगे तो गलत रास्तों से जानेंगे, गलत स्रोतों से जानेंगे, और बेहतर यह कि ठीक स्रोतों से जाने। मैं इस पक्ष में हूं कि फिल्मों में जो जो सत्य है वैसा ही सत्य होना चाहिए, ताकि बच्चे सत्य से पहले से ही परिचित हों, नहीं तो एक दिन अड़चन खड़ी होती, भारी अड़चन खड़ी होती। बहुत दिनों तक हम बच्चों को अंधकार में रखते, फिर एक दिन उनका विवाह कर देते, फिर विवाहित युवक और युवती दोनों अपने को अपराधी अनुभव करते, क्योंकि अब तक इस युवती को कहा गया था कि किसी पुरुष को छूना भी पाप है। अगर 20 वर्ष तक किसी युवती को कहा गया है कि किसी पुरुष को छूना भी पाप है, तो आज अचानक इस पुरुष के साथ सो जाना कैसे पुण्य हो सकता है, सो जाए भला लेकिन प्राण सक जाएंगे, भीतर पाप का बोध होगा। इसलिए मेरे अनुभव में हजारों स्त्रियों ने मुझे कहा है कि हमारे पति हमें पाप में घसीटते, पाप में घसीटते, प्रेम में नहीं, उसका नाम है पाप। और उनका भी कोई कसूर नहीं, उनको यही सिखाया गया था, 20 साल का संस्कार ऐसे छूट नहीं जा सकता, उनके प्राण पूरे के पूरे विषाक्त हो गए। और फिर ऐसी स्त्रियां कैसे पति को पूरी का पूरा प्रेम दे सकती, असंभव, वो मुर्दे की तरह पड़ी रहती। फिर ये पति को इनसे कुछ रस नहीं मिलता, फिर ये दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होता है, तब ईर्ष्या जगती है, वैमनस्य जगता है, क्रोध जगता है, और यही पुरुष फिर वैश्याओं को जन्म देता है, क्योंकि इसकी पत्नी तो बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ी रहती, बिल्कुल ठंडी, उसमें जैसे कोई गर्मी नहीं, कोई जीवन नहीं। अगर वो गर्मी और जीवन बताए तो ये भी एतराज उठाएगा कि अच्छा लक्षण नहीं। अच्छी स्त्रियां रस नहीं लेती इन बातों में, ये तो बुरी स्त्रियां इन बातों में रस लेती, ये बड़ी अजीब हालत हो गई। बुरी स्त्रियां रस लेती हैं बुरी बातों में, मगर वही जीवंत मालूम होती, और अच्छी स्त्रियां तो इस तरह की बातों में रस लेती नहीं। एक पुलिस वाले ने एक स्त्री डूब गई सागर में, उसको खींच के निकाला, सांझ हो रही थी,
उसे तट पर लिटाया, बहुत कोशिश की जिलाने की, मगर वो मरी चुकी थी। तो बेचारा उसे वहीं छोड़ के भागा पुलिस स्टेशन खबर करने। जब लौट के आया तो देखा कि एक आदमी उससे संभोग कर रहा है। उसने उस आदमी को हिलाया, कहा अरे मूर्ख उठ, ये स्त्री मुर्दा है। उसने कहा मुझे क्या मालूम, मैं समझा कि भारतीय। भारतीय स्त्री को बिल्कुल मुर्दा भाव से पड़े रहना चाहिए, हिलना डुलना भी नहीं चाहिए। हिली डुली तो भी उसका मतलब हुआ कि वो कुछ रस ले रही, उसको तो बिल्कुल आंख बंद करके पड़े रहना चाहिए, आंख भी नहीं खोलनी चाहिए। आंख खोली मतलब ये कि वो रस ले रही, आंख खोलना मतलब खतरनाक, प्रकाश भी बुझा देना चाहिए। तो रात के अंधेरे में चुपचाप बिना बोले महाचोरी का कार्य हो रहा है, इसी फिर महाचोरी से बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे भी कैसे होंगे, उन बच्चों में भी क्या सौंदर्य होगा, उन बच्चों के पास भी क्या आत्मा होगी। मगर तुम शास्त्रों में ऐतराज नहीं उठाओगे, तुम्हारे पुराण बेहूदी कहानियों से भरे, तुम्हारे मंदिर बेहूदे चित्रों से भरे, ऐसी बेहूदी कहानियां कि तुम सोच के भी चकित हो, मगर शास्त्रों में है तो सुंदर। और मैं चूंकि उनका विरोध करता हूं इसलिए स्वभावतः कौन मेरे पक्ष में खड़ा होगा। एक मित्र ने मुझे ये किसी पुराण से कहानी भेजी है, मुझे पता नहीं किस पुराण में है, जरूर होगी किसी पुराण में। एक बार पार्वती शिव से रूठकर अपने मायके चली गई और बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटी। शिवजी महाराज भी परेशान हो गए। उन्होंने नंदी से कहा, यार नंदी मेरी प्रेम करने की बड़ी इच्छा हो रही और पार्वती भी है कि अभी तक लौटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया मैं तुझसे प्यार कर लूं। इस पर नंदी ने कहा, शिवजी महाराज ये भी कोई बात है, क्या मैं आपके प्यार के लायक हूं। बहुत मनाने पर नंदी इस बात पे मान गया कि बाद में मैं भी फिर आपसे प्यार करूंगा। शिवजी ने नंदी बाबा से जी भर कर प्यार किया और जब नंदी बाबा की बारी प्यार करने की आई तो उठाया अपना दंड कमंडल और भागे और बोले, अरे मूर्ख तू बैल होकर मुझसे प्यार करेगा, उल्लू के पट्टे, अपनी स्थिति समझ। इस पर नंदी बाबा को भी बहुत गुस्सा आया और वे भी पीछे पीछे भागे, पर शिव जी एक मंदिर में घुस गए और अंदर बैठ गए नंगे ही, इसलिए शिव की प्रतिमा नग्न। वो जो शिवलिंग है वो नग्न प्रतिमा का प्रतीक है। इस पर नंदी मंदिर के सामने बैठ गया और बोला, शिव जी महाराज आप जब बाहर निकलोगे तब आपसे प्यार करूं, छोड़ूंगा नहीं। और तब से नंदी महाराज वहीं बैठे हुए, वो कहते हैं कभी तो निकलोगे ना। मगर यह तो कुछ भी नहीं, शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं कि तुम चकित होगे। मैंने पढ़ा है, एक पुराण कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु किसी गहन समस्या में विवादग्रस्त हो गए, हल ना होता था तो शिव जी के पास गए, लेकिन जब वे पहुंचे तो जैसा कि द्वारपालों की अक्सर अवस्था होती, जैसे संत महाराज हमारे द्वारपाल, नंदी बाबा समझो, अक्सर सोए हुए मिलेंगे। गणेश जी द्वारपाल थे, अब गणेश जी ज्यादा खा पी गए होंगे तो उनका हाथ फिरते फिरते सो गए होंगे, सून थोड़ी देर हिलाते रहे होंगे, फिर झपकी आ गई होगी, तो वो झपकी मार रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु ने भी सोचा कि क्यों बिचारों को जगाना, सोने दो। वो दोनों चुपचाप अंदर चले गए। शिव जी पार्वती से
प्रेम करने में संलग्न थे। दोनों सज्जन शुद्ध भारतीय रहे, हटे ही नहीं। नागा बाबाओं का प्रदर्शन हो रहा था, वो हटते भी तो कैसे हटते। कोई और होता, कोई अंग्रेज होता तो फौरन क्षमा मांग के बाहर हो जाता कि माफ करना। लेकिन वो तो जमे रहे, देखते रहे। और शिवजी को तो तुम जानते हो, ज्यादा भांग चढ़ा गए होंगे। उनको होश ही नहीं था कि कौन आया कौन गया क्या हो रहा है। उनकी प्रेम कीड़ा चलती ही रही 6 घंटे, और ये दोनों सज्जन भी गजब के थे, खड़े ही रहे। अरे जब लिंग में बांध के जीप खींची जा रही हो तो ब्रह्मा विष्णु जाए तो जाए कहां, वहीं रुके रहे। मगर अपमानजनक भी अनुभव किया कि हम खड़े हैं और इन लोगों को ये भी लापरवाही है कि इसकी भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। ये तो फिक्र नहीं की कि हमको हट जाना चाहिए, वो भारतीय ढंग नहीं। ये फिक्र की कि ये किस तरह का व्यवहार है, दुर्व्यवहार कि हम खड़े हैं 6 घंटे हो गए और शिवजी को अंदाज ही नहीं है और ये अपने कार्य में संलग्न है। जब शिवजी को होश आया थोड़ा, देखा कि कोई 2 सज्जन खड़े, उठे, मगर वो बहुत क्रुद्ध हो गए थे कि हमसे बैठने को नहीं कहा, 6 घंटे से हम खड़े। देखते हो मजा, एक तो खड़े नहीं होना है ऐसी जगह। लेकिन भारत में प्राइवेसी को तो कोई अंगीकार करते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो तो हमारा लक्षण नहीं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। मैं उदयपुर में सोया था एक दोपहर, मुझे कुछ ऊपर खपड़ों पर खड़बड़ की आवाज आई, तो मैंने ऊपर आंख खोल के देखा, एक आदमी खपड़ा उघाड़ के ऊपर से नीचे झांक रहा, और कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं, हाई कोर्ट का वकील। मैंने पूछा, एक भैया क्या कर रहे हो, कोई बरसा वगैरह आ रही, खपड़े ठीक कर रहे हो? कहा कि जी नहीं, बस आपके दर्शन को चला है। मैंने कहा, और भी आएंगे इस तरह दर्शन को लोग कि तुम ही आयो? ये कोई वक्त है दर्शन का कि मैं सोया हूं दोपहर? नहीं, उन्होंने कहा कि सत्पुरुष को उसकी सभी अवस्थाओं में देखना चाहिए, आप कैसे सोते हैं ये देखने में उत्सुक था। तो मैंने कहा, देखो मैं अपना सो गया, मगर वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ पीछे नहीं थे। जब 2 घंटे बाद में उठा, वो बैठे थे अपने चप्पल। मैंने कहा, भैया अब उतर भी आओ, गिर गिरा पड़ो, कुछ हो जाए। ब्रह्मा विष्णु हटे तो नहीं, मगर नाराज हुए कि हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ। हम अभिशाप देते हैं कि तुम्हारी सदा लैंगिक प्रतीकों की तरह पूजा की जाएगी, इसीलिए मंदिरों में शंकर की पूरी प्रतिमा नहीं होती, सिर्फ लैंगिक प्रतीक होता है, वो उस अभिशाप की वजह से। ये शिवलिंग के पीछे जो कथा है वो ये है,